Hey guys, welcome back to our channel, Delhi Into Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, इश्मुशी ड्रामे के episode 14 पर हैं, और जहाँ पर हमने last video में छोड़ा था, उसी के आगे से इस video में continue करते हैं guys। तो guys, ज़रा time waste नहीं करते, जल्दी से आगे की story देखते हैं कि आगे क्या होगा, साथ में देखते हैं, enjoy करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कहाँ से बज रहा है? ये बहुत जरूरी है भाई, ये वाला फोन। किधर है आप, इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। फोन ही नहीं मिल रहा था मुझे, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया था। तुम्हारी कॉल आई तो पता चला। क्या हुआ, सब खैरियत? क्या मतलब, आपको कुछ नहीं पता? क्या मतलब कुछ नहीं पता, मैं समझा नहीं। वो शिब्रा आपके घर आ रही है, देखे शिब्रा कहाँ पहुंची है। ओए भाई, इसने बता दिया। जी अब देखे जाके। हारून सही कह रहा था। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, थैंक यू। ओके। इसने बता दिया, वरना इसे तो कुछ पता ही नहीं था। कोई देख लेती तो इसे। यार यार, क्या निकला है बंदा। ये कौन थे? आप वेट करें, सर आ रहे हैं। वो रिपोर्ट है। भाई वो तो ऐसे देख ही नहीं है। क्या तरीका था यार निकलने का, सही निकला था। तो ज़ुबैदा सिकंदर की बहुत इज्जत करता था, तुम्हें क्या हुआ? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बाबा के दिल में आज भी उनके लिए उतना ही एहतराम और इज्जत है जितनी कई साल पहले थी। बैठो। नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें मजबूर किया यहां आने में, क्या मैं सही समझा? बिल्कुल ठीक समझे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी ने आपको मजबूर किया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ओहो, फुल जवाब है। मैं भी ठीक समझी? फ्रेश अभी आता ही होगा। ये भी हटाएगा। शामिर, अब कैसे आ गए? बात सुनो, इधर आ। आएगा ही नहीं। शामिर, बेटा तुम्हें बुला रहा हूँ मैं। हाँ वो बाबा तबीयत खराब हो रही है, सर में बहुत दर्द है मेरे। ज्यादा खराब हो रही, डॉक्टर को बुला ले। नहीं, आई एम गुड, बस रेस्ट करूंगा, सर चिकरा रहा था मेरा, मैं आता हूँ। थैंक यू सर। वो प्रेस वाले आ गए, भेजो इसको और मेरा कोट भी लाओ। राइट। अपनी फायदे के लिए बुलाया। प्रेस वाले आ गए हैं, आप प्लीज आ जाएं। बस मैं 2 मिनट में आई, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, 2 मिनट। हेलो, फजल बख्श के बच्चे, कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? देखो मेरी बात सुनो, दाऊद अली खान की झूठी झूठी तारीफें करो, उसको खुश करो, उसके घर से निकलो फौरन। यही करना है मैंने, बाबा ने भी यही कहा था। वे इसने भी देख लिया, देख लिया यार। चाय पानी का पूछा उन्होंने तुमको? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जिस आदमी के घर में मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा वहां मैं चाय पानी पीऊं? ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, जरा जाना है मुझे, ठीक है? बस इसकी तारीफें करो, इसको खुश करो, जल्दी से घर से निकलो। हेलो, वो बता देगा क्या? समझ यार,
एक्सक्यूज मी बाहर प्याजे बाहर सीधा हाथ पे नीचे ये तो कॉमेडी थी ये सही था यार यार क्या बोला क्या बचा है भाई हाँ ये देखा था ना रील्स पे हाँ हाँ ये काफी कॉपी कर रहे थे लोग हाँ काफी फेमस हुआ है इसके डांस सूरज की ये समझ जाएगा मेरे को लग रहा है नारे की मछली झींगो कौन खाएगा मामू 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 भले तुम समझाओ ना उसे समझाओ उसे कि जिस लड़की को उसकी कदर नहीं है ना और मोहब्बत की कदर नहीं है उसे लिफ्ट ना कराए समझाया तो बहुत है लेकिन वो कहता है कि मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं होती मोहब्बत में आपको पागल होना पड़ता है अम्मा जी क्या करना चाहिए मुझे सिर्फ एक काम वही जो मैं तुमसे कब से कह रही हूँ करने को तुम अब तक उस तक पहुँचने के लिए जितनी भी ये कहानियाँ गढ़ते रहे हो बनाते रहे हो अब उन सब कहानियों को एक आखिरी मोड़ लेने का वक्त आ गया सच्चाई का तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो नीरू अच्छा अभी यार अभी तो दिक्कत है माइंड तो नहीं करोगी नहीं पूछो देखो फजल भाई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया मतलब रातों रात इतना बड़ा मसला हल कर दिया वो दाऊद अली खान वाले मसले से भी तुम्हें निकलवा दिया अब तुम खुद सोचो तुम उस लड़की की जगह होती तो तुम फील ना करते मतलब तुम्हें खुद फजल भाई अच्छे नहीं लग रहे पसंद नहीं आ रहे समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी फजल बख्श की मोहब्बत के बीच में मैं कहां से आ गई समझा रही भाई देखो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ना एक दफा उस लड़की से मिल लें उसे समझाएं कि फजल भाई जैसा लड़का गवा के वो अपने साथ नुकसान कर रही है कैसे मिल सकते हैं हम तो उसे जानते भी नहीं है वो मसला नहीं है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकलवा लूंगी बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ चल के उस लड़की से मिलोगे एक दफा प्लीज प्लीज तुम इन्फॉर्मेशन निकालो फिर देखते हैं देखते नहीं करते हैं चढ़ जाता हूँ अगर सच बता दिया तो हमेशा के लिए ना खो दूँ बस एक बात याद रखें जिस दिल में प्यार बसता है ना वहां डर नहीं आ सकता और जहां डर आ जाए वहां प्यार आ ही नहीं सकता अगर तुम सचमुच उससे प्यार करते हो तो उसको सब कुछ सच सच बता दो वरना वो तो क्या मैं भी यकीन नहीं करूंगी कि तुम उससे प्यार करते हो बाकी वैसे सलाह मानता है ये अब देखते हैं कि करता है या नहीं करता हेलो किसकी कॉल आई है फजल बख्श की नहीं नहीं जुहेब है वो हमें किसी से मिलना था किससे मिल रहे बताती हूँ वापस आके बताती हूँ अच्छा बताओ तुम्हारे लिए कुछ लेती हूँ वापसी कहाँ जा रही हो बताती हूँ ना मुझे क्या होगा मुझे क्या होगा नहीं ज़ोएब कह रहा बहुत बढ़िया चल रहा है यार मजा आ गया गाइस।
सही चल रहा है ड्रामा वहां पे, उसकी बहन थोड़ी मतलब वो बहुत एफर्ट लगा रही है यार, उसकी छोटी बहन, छोटी बहन तो मतलब वो भी हाँ पहुंच रही है कि यार तुम तुम्हें कैसे लगते हैं, तुम्हें कैसे लगते हैं, वो भी पूछ रही है। यार सबसे बढ़िया लगा मुझे घर का जो सीन हुआ ना, घर का सीन सही हुआ यार, वो क्या बंदा मुड़ा यार, वो मुड़ा भी सही, और क्या कहते हैं जब उसने वो करा ना कि उधर 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 करके, यार वो सही था यार शॉट, बहुत बढ़िया था, काफी बढ़िया शॉट था। दो बार मुड़ा है और वो डांस तो फेमस हुआ ही उसका, वो तो मैंने देखा था यार रील्स में, कॉपी कर रहे थे। हाँ ओएसटी इतना बढ़िया है, वो ऐसा डांस कर दिया यार, तो ये मतलब स्टेप्स कर रहे हैं डांस ही, क्या स्टेप्स ऐसे हैं, वायरल ही हो गया, जवाब दे रही थी यार, मतलब ये मतलब उसके बाप को भी, हाँ फजल बख्शी है शामिर के, यार जवाब दे रही थी। हाँ इसे शुरू से सिखाया है ना कि दबना नहीं है, वो शेरनी मतलब नाम का मतलब है ही शेरनी, तो वो हाजिर जवाबी तो होगी, नेक्स्ट लेवल है यार गाइस, काफी मजा आ रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे खत्म करते हैं यार ये, मतलब मजा आ रहा ही होता है, हाँ खत्म हो जाता है ड्रामा, तो कोई बात नहीं गाइस, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे हम नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल मजा आने वाला है, कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।